संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जन्मशती पूरे भारत सहित महानगर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मनाई गई। बाबा साहब का जन्मदिन शायद ही भारत में कभी इतने हर्षोल्लास के साथ सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी से मनाया गया हो। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी ये देखकर अति आनंदित हो रही होगी कि देश की प्रमुख चारों पार्टियों ने मिलकर ना सही पर अलग ही अलग उनके जन्मदिन को एक त्यौहार के रूप में मनाया। अब इसे राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी कहें या सियासी जरूरत, मगर जो कुछ हुआ निश्चित रूप से सुखदाई था। सियासत की गलियारों से होते हुए सत्ता के शीर्ष तक अगर पहुंचना है तो बाबा साहब अब सबकी जरूरत बन गए हैं। शायद तभी तो जहां एक ओर सपा और बसपा ने मिलकर बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया, वहीं कांग्रेस और भाजपा भी इस मौके को लपकने में देर न की। महानगर के अंबेडकर चौराहे पर, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका है और बदल गई है बाबा साहब की मूर्ति स्थल की तस्वीर, यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने आकर संविधान निर्माता के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाबा साहब अमर रहें के नारे लगाए।